नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल CG04 BuzzFeed और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमन शर्मा। तो गाइस, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं आपके अपने YouTube चैनल CG04 BuzzFeed पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल CG04 BuzzFeed एक BuzzFeed चैनल है और BuzzFeed चैनल की खासियत ये होती है कि हम इसमें लार्जर नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हमारे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज शुरू होने वाली है जो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करने वाले हैं, खासकर वो प्रोडक्ट्स जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, जो वीडियोस से रिलेटेड हैं, वीडियोग्राफी से रिलेटेड हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो अगर ये वीडियो सीरीज इतनी अच्छी होने वाली है तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए और नोटिफिकेशन का बेल दबा दिया जाए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के जरिए पहली बार हमारे YouTube चैनल CG04 BuzzFeed के साथ जुड़ रहे हैं तो मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बेस्ट ट्रैवलिंग बैग की, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, बेस्ट बजट ट्रैवलिंग बैग। जब आप टूर पे जाते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, चाहे आप बाइक से करें, कार से करें, ट्रेन से करें या फिर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करें, आपको चाहिए होता है एक ऐसा बैग जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसमें आपके कपड़े, आपके जो डेली वेयर्स हैं, आपके जो टॉयलेटरीज हैं, वो सारे बहुत प्रॉपरली उसमें फिट हो जाए और आप ये चाहते हैं कि जब जिस प्रोडक्ट की जरूरत पड़े वो प्रोडक्ट इजिली आपको हैंडी हो अपने बैग से कैरी आउट करने में, आपको अपना पूरा पूरा बैग जो है वो हैश डैश ना करना पड़े कोई भी प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो बैग जिसे आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें है आपके लिए और क्या ये बैग आपके लिए सही है या नहीं है। अगर आप तलाश कर रहे हैं एक अच्छे बजट ट्रैवल बैग की, तो चलिए फटाफट से इस बैग को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर हमारे लिए खास। और ये है वो छोटा सा कॉम्पैक्ट ट्रैवल बैग जो है 55 लीटर्स का, पोलस्टार का ये बैग है और इसके साथ में हमें मिलता है एक शू कंपार्टमेंट और एक रेन कवर इस बैग के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको खोलते हैं। वैसे फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी सामान नहीं है और मैं इसे फोल्ड करके इतना कॉम्पैक्ट कर सकता हूं। तो चलिए अब देखते हैं कि खोलने के बाद ये बाहर से कैसा लगता है और इसके अंदर कितना स्पेस है। बाहर इस पे पोल स्टार की कुछ बैजिंग्स लगी हुई है, पोल स्टार का ये बैग है और इसके साथ में एक रेन कवर है। इस वाले पे लिखा हुआ है बॉटम पैडिंग फॉर बेटर प्रोटेक्शन। यहाँ इस पे पोल स्टार 12 मंथ्स वारंटी, इस बैग के साथ आपको 12 मंथ्स की एक वारंटी भी मिलती है और ये इसका वारंटी कार्ड है, यानी कि एक साल की एक वारंटी भी आपको इसके साथ मिलती है। तो अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका जो बिल है उसे संभाल के रखिए, या फिर ऑर्डर नंबर को संभाल के रखिए और साथ में ये एक वारंटी कार्ड जो आपको इसके साथ में मिलता है इसे भी संभाल के रखिएगा। मैंने ये कलर ऑर्डर किया था, इसके साथ में और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल थे पर मुझे ये कलर पसंद आया तो मैंने ये कलर ऑर्डर किया था। नाउ दिस, अब आप देख सकते हैं कि ये बैग कितना बड़ा है। 55 लीटर का ये बैग है और काफी बड़ा है, मतलब लुक एट दिस, इसमें काफी सामान आप रख सकते हैं, गैजेट्स आप रख सकते हैं, अपने क्लोथ्स रख सकते हैं, अपने इनर वियर्स रख सकते हैं,
टॉयलेटरीज रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और खूब दिया गया है ताकि जब आप बैग को लेकर के ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये बैग लूज ना हो। अगर आपको इसको सामने से भी लॉक करके रखना है तो आप लॉक करके रख सकते हैं। अक्सर ट्रैकिंग वगैरह के टाइम पे ये वाला जो लॉक है वो काफी काम आता है। एक जो लॉक है वो आपको चेस्ट के पास में मिलेगा और दूसरा जो लॉक है वो आपको आपकी कमर के पास में मिलेगा, यानी कि एक लॉक आपको नीचे मिलेगा और एक लॉक जो है वो आपको इस तरह से ऊपर मिलेगा। तो कमर के पास वाला ये लॉक है और काफी मुझे मजबूत तो लग रहा है। तो इस तरह से जब मैं इसे लटका रहा हूं तो ये बैग यहां से लेकर के मेरी ऑलमोस्ट कमर तक टच हो रहा है। मेरी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये मेरी कमर तक टच हो रहा है, बट इतना बड़ा जो स्पेस है वो सफिशियंट होता है आपके सामान को रखने के लिए। अगर आप 2-4-5 दिन के लिए किसी ट्रैक पे या किसी छोटे से टूर प्लान पे जा रहे हैं तो गाइस ये है पोलस्टार का 55 लीटर बैकपैक जो आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए, और ये काफी बजट में है। ये आपको 1000 रुपीस से अंदर के प्राइस पे मिल जाएगा। जब मैंने इसे परचेस किया था तब ये राखी के डिस्काउंट ऑफर इस पे चल रहे थे। हो सकता है कि जब आप इसे परचेस करें तो उस समय भी आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर इस पे मिल जाए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे लाइन से फेस्टिवल सीजन है और फेस्टिवल सीजन पे जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स होते हैं वो आपको कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर करते ही करते हैं। मैं आपको फटाफट से इसके बारे में बता देता हूँ, और हाँ इसका जो लिंक है जहां से मैंने इसे परचेस किया था वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इसे देखना है जाकर के या परचेस करना है तो आप उस लिंक के जरिए भी, अमेजोन का वो लिंक है, आप अमेजोन से इसे परचेस कर सकते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं आपको सिर्फ इसलिए बना करके दे रहा हूं ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप अपने लिए एक बजट ट्रैवलिंग बैग ढूंढ रहे हैं जिसे आप लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, जो मजबूत भी हो, किफायती भी हो और दिखने में भी अच्छा हो, तो उन सभी क्राइटेरियाज में पोलस्टार का ये 55 लीटर का जो बैकपैक है वो कहीं ना कहीं फिट बैठता है। एटलीस्ट मुझे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैग काफी पसंद आया है। फटाफट से आपको इसके कंपार्टमेंट के बारे में बता देता हूं और उसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी भी देते हुए चलता हूं। सबसे ऊपर में टॉप कंपार्टमेंट है, यहां पे आपको ये इस तरीके का चेन मिल जाएगा और अंदर ये काफी स्पेस है। ये स्पेस सफिशियंट है आपके जो भी डेली यूज के जो भी चीजें हैं उसको रखने के लिए, जैसे टूथब्रश हो गया, टूथपिक हो गया, लाइक एक्स्ट्रा बैटरी हो गई, आपका पोर्टेबल चार्जर हो गया या कोई कैमरा केबल हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं आप इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं और वो आपको काफी हैंडी भी होगा इसमें से निकालने और वापस रखने के लिए। अक्सर जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें हेडफोन्स और बैटरी चार्जर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो हम चाहते हैं कि हम इसी तरह के अलग थलग कंपार्टमेंट में रखें ताकि वो बाकी सामान के साथ मिक्स ना हो या बैकपैक में काफी नीचे ना चले जाए। अगर आप उसे मेन कंपार्टमेंट में रखते हैं तो अक्सर वो काफी नीचे चले जाते हैं और बाद में उन्हें ढूंढने के लिए हमें सारा जो बैग का अंदर का सामान है उसे इधर उधर करना पड़ता है, जो काफी डिस्टर्बिंग भी हो जाता है और कई बार एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। तो ये इसका टॉप खंड है, यहां से ये ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद यहां नीचे दो कंपार्टमेंट है। पहला कंपार्टमेंट ये है, ये ऊपर से नीचे तक का एक सिंगल कंपार्टमेंट है। यहाँ पे आप अपने बाकी एसेसरीज रख सकते हैं या फिर आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं या कोई ऐसी चीज रख सकते हैं सेकेंड प्रायोरिटी की हो, अर्थात ऐसी कुछ चीजें जो आप ट्रैवलिंग के दौरान अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले बार बार यूज करने वाले हैं, जैसे हैंकी हो गया, टॉवेल हो गया, आपका हेलमेट क्लीनर हो गया और भी कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आप ट्रैवलिंग के दौरान बार बार यूज करने वाले हैं, टिश्यू पेपर हो गई या कोई ऐसी चीजें हो गई, तो इस तरीके की चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस है, आपको क्लोजअप भी दिखा देता हूं, जो पूरे बॉटम तक गया हुआ है। अगर आप देख पाएंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा बॉटम तक ये गया हुआ है। बात करें अगले कंपार्टमेंट की तो पहले मैं इस कंपार्टमेंट को लॉक कर देता हूं जिसे हमने अभी खोला था, और इसके ठीक पीछे मेन कंपार्टमेंट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा स्पेस मिल जाएगा।
इसके अंदर आपको ये पोल स्टार की बैजिंग मिल जाएगी जो इस बात की पुष्टि करती है कि ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई सब प्रोडक्ट नहीं है या फिर ये किसी तरह का कॉपी प्रोडक्ट नहीं है। इसका भी मैं आपको क्लोजअप शॉट दिखा देता हूं और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आप यहां पे क्या क्या रख सकते हैं और ये स्पेस कितना ज्यादा है और इसकी क्वालिटी कैसी है। यहां अंदर आपको पोलस्टार की बैजिंग मिल जाएगी, इसका मतलब अमेजोन से जब आप ये प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको एक ओरिजिनल प्रोडक्ट मिला हुआ है। अंदर का जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है और जो मटेरियल है इसके अंदर का, जो कपड़े का फैब्रिक है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो अब इस चैन को बंद करने के बाद हम चलते हैं अपने अगले कंपार्टमेंट के बारे में, जो इस बैग की एक ऐसी खास चीज है जिसको देखते हुए मैंने ये बैग लिया है और जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, और वो कंपार्टमेंट है ये कंपार्टमेंट। ये आपका वो कंपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा शू कंपार्टमेंट। तो ये बेसिकली आपका एक शू कंपार्टमेंट है। आप बाकी का सामान रखने के बाद ये कंपार्टमेंट आपके जो बाकी का कंपार्टमेंट है उसकी हाइट से नीचे का एरिया है, और इसे जब आप ओपन करेंगे तो आप ट्रैवलिंग के दौरान, ट्रैकिंग के दौरान अपने शूज जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये कहाँ यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हम बहुत से ऐसे पैचेस में जाते हैं जहाँ पे हमें वाटर क्रॉसिंग वगैरह क्रॉस करना होता है, या फिर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम शूज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जगह काफ़ी स्लिपरी होती है या फिर हमें वहाँ पे नंगे पाँव चलना पड़ता है फॉर वॉट सो एवर रीज़न। तो ऐसे टाइम पर आप के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप अपने शूज़ को हाथ में पकड़ के चले, क्योंकि आप तो सिर्फ एक बैग पैक लेकर चल रहे हैं जिसमें आपकी शूज़ के रखने के लिए जगह नहीं है। जो शूज़ आपने पहने हुए हैं वो शूज़ अगर आप अपने बैकपैक के अंदर रख देंगे तो आपका जो बाकी के सामान है, कपड़े या कोई भी सामान, वो उस पर मिट्टी लग जाएगी, वो गंदा हो जाएगा। ऐसे टाइम पे ये कंपार्टमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। इसका क्लोजअप शॉट मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। अब सबसे नीचे बात करें तो सबसे नीचे ये जो कंपार्टमेंट है ये बेसिकली आपका रेन कवर का कंपार्टमेंट है। यहाँ पे आपका रेन कवर जो है वो इनबिल्ड है और अटैच्ड है। ये है इसका रेन कवर, और ये जो रेन कवर है वो इस बैग से जुड़ा हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो मैं सारे चेन्स बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा जो बैग है इस पे हमें इस रेन कवर को बस निकालना है, नीचे का चेन खोलना है और दैट्स इट, ये हो गया। देखिए इतना इजी है। एक बात और बता दूं कि ये जो बैग है ये वाटरप्रूफ बैग है, और इसके साथ में रेन कवर इसे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, और आपका जो पूरा बैग है वो पूरी तरीके से कवर हो गया। इससे ना तो आपके कपड़े भीगने वाले हैं, ना ही आपके जो भी कैमरा एक्सेसरीज है या फिर जो भी टेक्निकल गैजेट्स हैं जो बारिश या पानी के कांटेक्ट में आने से खराब हो सकते हैं, वो सब इसकी वजह से बच जाएंगे। और काफ़ी इजी है इसे यूज़ करना, बिल्कुल बैग के नीचे में है तो आपको किसी तरह से बैग के अंदर हाथ डाल के इसे नहीं खोजना है, आपको उसमें कोई भी टाइम नहीं वेस्ट करना है या बैग को निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अगर आपको भी ये बैकपैक पसंद आया हो, हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये बैकपैक कैसा लगा। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा अमेजोन का, आप वहां से जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि इस बैकपैक के बारे में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इसे बाय करने के पहले प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो सब पढ़ के, रिव्यू पढ़ के और अपने स्वविवेक से ही इसे परचेज करिएगा। मैं एक बार फिर से कह दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वीडियो के लिए मुझे किसी ने भी अप्रोच नहीं किया है, ना तो अमेजोन ने, ना फिर पोलस्टार कंपनी ने। मैंने सिर्फ ये बैग ऑर्डर किया था, इसलिए मैं आपसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। तो गाइस बैग के बारे में तो बात हो गई,
अब हम बात करते हैं आगे की। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से हमारी एक नई वीडियो सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अनबॉक्स करने वाले हैं और देने वाले हैं उनके रिव्यूज आपको। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा बैग हमने खरीदा है, इसे सबसे पहले परचेस करने का और सबसे पहले इसका वीडियो आपको दिखाने का एक खास रीजन है, क्योंकि इस बैग को हम कपड़ों से या फिर बाकी किसी भी चीज से नहीं भरने वाले हैं। इस बैग को हम कंप्लीटली फिलअप करने वाले हैं कैमरा एंड कैमरा एसेसरीज से। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना, इस बैग को हम फिलअप करने वाले हैं कैमरा एंड कैमरा एसेसरीज से। तो हमारी इस सीरीज में आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे बेस्ट बजट कैमरा फॉर बिगनर्स, बेस्ट बजट कैमरा एसेसरीज फॉर बिगनर्स, जस्ट लाइक कैमरा एंड मोबाइल ट्राइपॉड, मोबाइल माउंट, कैमरा माउंट एसेसरीज, माइक्स फॉर कैमरा, माइक्स फॉर स्मार्टफोन एंड स्पेशली लाइट्स फॉर कैमरा एंड लाइट्स फॉर स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, हम कैमरा माउंट्स, कैमरा लाइट्स, कैमरा माइक एंड कैमरा एसेसरीज के बारे में डिटेल में बहुत सारी वीडियोस इस सीरीज में आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। और हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक बिगनर हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपने किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अच्छे वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, अच्छे फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप किस तरह के कैमरा या कैमरा एसेसरीज का यूज कर सकते हैं और बजट कैमरा एसेसरीज आपके लिए कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन से फोटोज या वीडियो शूट कर रहे हैं, आपके स्मार्टफोन के लिए मार्केट में कौन कौन से माइक्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से ट्राइपॉड अवेलेबल हैं, कौन कौन से मोनोपॉड अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऐसी लाइट्स अवेलेबल है जो आपकी जो वीडियो या फोटो है उसको और अच्छी क्वालिटी की बना देगी, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो सीरीज की आने वाली वीडियोज में बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा काम की होने वाली हैं, खासकर उनके लिए जो एक बिगनर है, जो एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। तो आप कौन सा स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, या आपके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा है वो भी कम बजट में, या फिर आपके स्मार्टफोन की क्या एसेसरीज मार्केट में अवेलेबल है, या आपके कैमरे के लिए क्या क्या एसेसरीज हैं जिनको यूज करके आप बहुत ही कम बजट में एक बहुत अच्छा सेटअप बना सकते हैं अपने वीडियोस के लिए, अपने फोटोज के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब मैं अमन शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, COVID-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करिए, गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, इस चैनल को लाइक कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो भी नई वीडियोस आने वाली होती है, हम जहाँ भी ट्रैवल करते हैं उन सब के जो सबसे पहले अपडेट्स होते हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाया करेंगे। अच्छा, तो अब नमस्कार।